आज मैं आपसे कोई रेसिपी शेयर करने वाली नहीं हूँ। आज मैंने घर पर ही एक ऑयल बनाया है और ये मैं बहुत सालों से बना रही हूँ और लगा रही हूँ, तो उससे मेरे बालों की हर समस्या ही दूर हो गई है। मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो गए, पहले बहुत ही ज़्यादा पतले बाल थे मेरे, तो इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई और बाल भी बहुत अच्छे हो गए हैं और हर समस्या इसकी दूर हो गई है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी मैं शेयर करूँ ताकि आप भी इसका लाभ उठा सकें। तो ये बहुत ही आसानी से घर पर ही बनकर तैयार हो जाता है ये ऑयल, तो चलिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा और श्रद्धा फूड गैलरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आंवले का तेल बनाएंगे। मैं बहुत सारे तरह तरह के तेल बनाए घर पर ही, मार्केट में भी ये अवेलेबल हैं लेकिन बहुत महंगे पड़ते हैं, और घर पर बहुत ही सस्ते में और बहुत ही जल्दी आसान तरीके से बनाकर हम तैयार कर सकते हैं। तो ये ऑयल की बॉटल्स मैंने घर पर बनाकर तैयार की है। इससे बाल अच्छे घने भी होते हैं, काले होते हैं, और बाल में यदि डैंड्रफ वगैरह है वो भी मिट जाती है। तो बहुत ही अच्छा ये तेल बनकर तैयार हुआ है, तो आप भी जरूर से ट्राई कीजिएगा। और यदि मेरी रेसिपीज, मेरा चैनल आपको यदि पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आंवले का जूस बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे आंवले। तो आप छोटे या बड़े कोई भी साइज के आंवले ले सकते हैं, लेकिन आंवले अच्छे फ्रेश और जूसी होना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका जूस मिल सके। तो मैंने इस तरह से आंवले कट कर लिए हैं। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, हमें आंवले का जूस ही चाहिए, तो कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगा है तो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसके बीज अलग करना है हमें और आंवले को इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये आंवले मेरे घर के ही हैं, तो आपने यदि मुरब्बे की रेसिपी देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि आंवले मैंने घर से ही तोड़कर, इस तरह से हमारे यहाँ पेड़ है तो घर के ही आंवले मैंने यूज़ किए हैं। बहुत ही जूसी आंवले हैं ये, तो इससे मैंने बहुत सारे रेसिपी बनाकर तैयार की। तो आंवले के दो तरह के मुरब्बे की मैंने रेसिपी शेयर की है, तो आप वो वीडियो जरूर से देखिएगा। तो आंवलों को मैंने कट कर लिया है, सारे आंवलों को। अब हम इसे पीसेंगे, तो जो इसके जो बीज निकले हैं उसे फेंकेगा नहीं, इसमें पानी डालकर इसको उबाल कर इसके पानी से आप बालों को धो सकते हैं, तो बाल बहुत ही अच्छे सिल्की हो जाएंगे। अब एक जार लेंगे हम, मिक्सर जार, और उसमें ये आंवलों को डाल देंगे और थोड़े थोड़े करके इसे पीसेंगे। यदि पीसने में दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा सा आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ना हो तो आप सूखे ही इसे पीसेगा। इस तरह से ये देखिए मैंने बिल्कुल पानी इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि ये आंवले बहुत ही ज़्यादा जूसी हैं। यदि आपके आंवले में पीसने में आपको दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा सा आप पानी इसमें एक दो टेबल स्पून जितना यूज कर सकते हैं। तो सारे आंवलों को मैंने पीस लिया है और इसे इस तरह से स्ट्रेनर पर मैंने कपड़ा रख कर, पतला सा कपड़ा लेना है, और उसका जूस सारा हम निकाल लेंगे इस तरह से निचोड़ कर। ये देखिए कितना जूस निकल रहा है इसका, इतने आंवले में हमारे बहुत सारा जूस निकल कर तैयार हो गया है। इस तरह से हम दबा दबा कर सारा जूस इसका निकाल लेंगे। ये देखिए ये मैंने सारा जूस इसका निकाल लिया है, इस तरह से निचोड़ लेना है। थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे हम तो सारा जूस इसका बाहर आ जाएगा, इसमें बिल्कुल भी ऊपर जूस नहीं रहेगा। लेकिन ये जो बचा हुआ हमारा रहेगा इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, आंवले का कोई भी पार्ट हम नहीं फेंकेंगे। बहुत ही यूज़फुल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसमें विटामिन सी होता है और बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल होता है, तो हम इसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होने देंगे। तो ये देखिए बहुत सारा हमारा जूस निकल कर तैयार हो गया है। ये जूस को आप बॉटल में भर कर आप इसे ले भी सकते हैं, ये जूस भी बन जाएगा। और ये जो ऊपर का बचा है इसे मैं सुखा लूँगी और इसका पाउडर बना लूँगी, तो जब आंवले नहीं होंगे तब भी हम इसका पैक बनाकर हेयर में लगा सकते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, तो ये लोहे की कढ़ाई है मेरे पास, अच्छी मोटी वाली कढ़ाई लेना है, और ये जूस को हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें एक सीक्रेट चीज डालेंगे, वो है मेथी दाना। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, ये खाने के लिए भी और हेयर के लिए तो ये वरदान होता है। तो इसको मैंने 3 टेबल स्पून डाल दिया है इसमें, इससे बहुत ही ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, ये जरूर से इसमें डालिएगा। अब हम इसे इसी कढ़ाई में 4 से 5 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। तो मैंने तो इसे ओवरनाइट के लिए ही रख दिया था, तो ये देखिए ये जूस जो है वो कितना काला हो गया है, और हमारे जो मेथी दाने हमें इसमें डाले थे वो भी एकदम काले हो गए हैं। इसका मतलब कि हमारे बाल भी इससे बहुत काले हो जाएंगे। तो इसको अब हम छान लेंगे, एक स्ट्रेनर में इसे डाल देंगे, और ये जो मेथी दाने ऊपर निकले हैं इसे भी आप फेंकिएगा नहीं, इसका आप हेयर पैक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये मेथी दाने का इसमें अर्क पूरा आ गया है,
इसे हम हटा देंगे और ये हमारे पास एक जूस बिल्कुल आंवले का प्योर जूस हमें मिल गया है एकदम ब्लैक। तो अब हम इसे नाप लेंगे, जितना भी हमारा जूस होगा उतना ही हमें ऑयल लेना है। तो ये 2 कप जितना मेरा जूस इसका आंवले का निकल कर तैयार हुआ है, तो अब हम इसमें 2 कप ही ऑयल डालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल, तो ये मोदी केयर कंपनी का है, एकदम 100% शुद्ध होता है। तो ये मैंने लिया है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो शुद्ध हो। तो इसको मैंने 1 कप लिया है, और यदि आप इसे ठंड में यूज़ करने वाले हैं तो इसमें आपको दूसरा कोई सा ऑयल यूज़ करना चाहिए पड़ेगा, जिसे मैंने इसमें सरसों का ऑयल यूज़ किया है। तो 1 कप इसमें हम सरसों का ऑयल डाल देंगे, आप सरसों के ऑयल की जगह पर तिल का ऑयल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरह से 2 कप हमने ऑयल ले लिया है, अब गैस को ऑन कर देंगे और एकदम स्लो पर कर देंगे गैस को। इसको एकदम हमें स्लो गैस पर ही बनाना है ऑयल को, बिल्कुल भी हाई नहीं करें, नहीं तो इसके अंदर जो जूस है वो बहुत जल्दी से जल जाएगा और इसका अर्क इसमें नहीं आ पाएगा। तो फ्लेम को एकदम सीम रखेंगे हम, और आप आराम से टीवी देख सकते हैं जाकर, कुछ भी इसको हिलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि बार बार इसको चालना होगा, ऐसा कुछ नहीं करना होगा, बस ये धीरे धीरे अपने आप ही ये ऑयल बन जाएगा। तो है ना बहुत आसान, बिल्कुल भी इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑयल और जो जूस है वो अपने आप सेपरेट हो जाएगा। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये ऑयल हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो ये धीमी आँच पर रखे हुए मुझे 1 घंटा हो गया है पूरा, बिल्कुल स्लो पर रखना है, और ये देखिए ऑयल अलग हो गया है और जूस अलग हो गया है। तो हमारा ऑयल बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, आपको कुछ भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। इसे डायरेक्ट यदि हम जूस में आंवले को पीस कर डाल देते हैं तो बहुत सारा ऑयल जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो बस इस तरह से बनाएंगे तो ऑयल हमको पूरा पूरा मिलेगा और बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होगा। तो ये देखिए सेपरेट हो गया है ऑयल हमारे जूस से, आप देख सकते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा हमारा ऑयल बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के लिए मैंने इसे रात भर इसी कढ़ाई में छोड़ दिया है। तो आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए कढ़ाई में छोड़ दे सकते हैं, क्योंकि ये जो लोहे की कढ़ाई है उसका जो आयरन है वो भी इसमें आ जाएगा, तो वो भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो बस ये ठंडा हो गया है, मैंने इसे ओवरनाइट के लिए ही रख दिया था, तो इसको जो अर्क है वो सारा आ गया है इसमें। अब हम इसे छान लेंगे, तो एक मलमल का कपड़ा लेंगे उसमें हम इसे छानेंगे, तो आप चाहे कोई दुपट्टा भी ले सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं निकलता है। ये देखिए बहुत ही कम वेस्ट इसमें निकला है, और हमारा पूरा की पूरा ऑयल हमें मिल गया है। तो इस तरह से मैंने बहुत से ऑयल्स बनाकर घर पर तैयार किए हैं, तो उसकी रेसिपी मैं आपको 1 by 1 ज़रूर से दूँगी। तो सीज़न के हिसाब से हम इसके ऑयल बनाते हैं और इसका यूज़ करते हैं, तो हमारे बाल हमेशा ही उसमें कोई समस्या नहीं आती है, कभी भी डैंड्रफ नहीं होगी, और बालों के झड़ने की समस्या जो रहती है वो भी नहीं होगी, बाल भी अच्छे लंबे होंगे, काले होंगे। तो ये इस तरह से आप घर पे आसानी से ऑयल बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ऑयल बनकर तैयार हुआ है, बस अब हम इसे एक बॉटल में भर लेंगे। तो ये मैंने प्लास्टिक की बॉटल में भरा है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बाहर हॉस्टल में रहते हैं, तो उन्हें वहाँ प्रदूषण वगैरह उस कारण से बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो मैं दोनों को इस तरह से आंवले का ऑयल बनाकर जरूर से देती हूँ हर साल। तो मैंने दो इसमें की बॉटल बनाकर तैयार की है। अब इसे लगाने का तरीका आपको बताती हूँ। तो ये मेरे पास है टी ट्री ऑयल, तो जब भी आप कोई सा भी तेल बालों में लगाते हैं तो उसमें 2-3 बूंद यदि टी ट्री ऑयल की डाल देते हैं तो ऑयल जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है, तो उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलता है। तो इसी तरह से मैं हमेशा ही लगाती हूँ। तो ये मोदी केयर कंपनी का है, लेकिन आप मेडिकल स्टोर पे ये आसानी से मिल जाता है टी ट्री ऑयल, तो ज़रूर से इसी तरह से लगाइएगा, तो बहुत ही अच्छा सा बेनिफिट मिलेगा। और यदि आपको बेनिफिट मिलता है तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरी रेसिपीज़ और मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।